तुम्हारा शाम अच्छी है, दिन ठीक था, शाम अच्छी है, रात कर लिया, बात कर ली थी, बात अच्छी है, बात कर लिया, सबसे अलग दूर कहीं पर कायनात कर लिया, दिल की ख्वाहिश मन के सपने एहतियात कर लिया, कुछ मिसरे चंद नजमों बदल बरसात कर लिया, कुछ मिसरे चंद नजमों बदल बरसात कर लिया, इस शर्सा है एक तरफा नहीं पर साथ कर लिया। सुनो आंखों में आंखें डाल, सुनो आंखों में आंखें डाल, हमें निहारा करो मोहब्बतों में, ऐसा भी कुछ तुम कभी नजारा करो, और जितना वक्त लगाती हो तुम श्रृंगार करने में, कम से कम उतना वक्त तो हम सब गुजारा करो। आंखों में बातें, आंखों में बातें, बातों में मोहब्बत, मोहब्बत में कविता, अगर ये कविता समझ आए तो आंखों से इशारा करो, इशारों में अदा, अदा में खुदा, खुदा की इबादत कविता, मुझे फिर से इबादत करनी है, इशारा दोबारा करो, और बहुत पढ़ना है तुम्हें क्लासेस लगाई है सुबह शाम, बहुत पढ़ना है तुम्हें क्लासेस लगाई है सुबह शाम, एक कविता और लिखेंगे हम, कुछ तो वक्त खसारा करो, और कभी गुस्सा, कभी प्यार, कभी खुशी, कभी चाहते, सुनो ये सारे एहसास तुम उस पर गुजारा करो। अगली कविता कविता के लिए, तो बेंजिन शुरू में आपको बताया कि मेरी सहेली, तो मेरा नाम सरंदीप और तुम मेरी सहेली हो, अगर इजाजत हो तो अपने सारे से अफसाना कर दूं। अफसाने का मतलब होता है फिक्शन, जैसे असली नाम में आप रे नहीं करते तो उसे किरदार बनाया जाता है, इसका मतलब होता है अफसाना। तो मेरा नाम सरंदीप है और तुम मेरी सहेली हो, अगर इजाजत हो तो अपने सारे सच अफसाना कर दूं। मेरे दोस्तों ने मुझे फिर से घूमने को बुलाया है, मैं उनके साथ चले जाऊँ या फिर कोई बहाना कर दूं। तुम कह रही थी कि मेरे शब्द तीर की तरह लगते हैं, तुम कह रही थी कि मेरे शब्द तीर की तरह लगते हैं, जाना सुनो क्या दिल की तरफ निशाना कर दूं। वो शख्स पागल बनते दूरी बनाए फिरता है, वो शख्स पागल बनते दूरी बनाए फिरता है, उसे पता है मैं अपने शब्दों से पत्थर सबको दीवाना कर दूं, और तुम इजाजत दो तो तुम पर किताबें लिखूं मैं, तुम इजाजत दो तो तुम पर किताबें लिखूं मैं, और तुम इजाजत दो तो उन किताबों को घराना कर दूं, और ये जितने शायर तुम्हारे आगे पीछे मंडराया करते हैं उन्हें तुम पर लिखी गई रचना फैलाने की कामना करता हूं। क्या है ना कि हम सबके आमने सामने आगे पीछे दाएं बाएं बहुत खूबसूरती है, बहुत ज्यादा खूबसूरती है, और खुदा की इनायत से मेरे जिंदगी में बहुत से खूबसूरत लोग आए हुए हैं। तो एक शाम में बैठ के खूबसूरत लोगों के ऊपर, मेरे जिंदगी में जितने खूबसूरत लोग हैं उनके ऊपर एक कविता लिखने की कोशिश कर रहा था, तो बहुत से किरदार मेरे सामने आए, और उसके बाद एक शख्स का चेहरा मेरे सामने आया, और ये कविता मैं बहुत लोगों पे लिख रहा था पर उस एक शख्स पे आ गई कविता से मांगे। तो मैंने क्या किया कि दिल का सैलाब कागज पे लिख दिया, कविता नज़्म का नाम उस चलता है जन्नत अल-फ़िरदौस। मान्यताओं के मान्यताओं का कहना है कि बहुत तरह की जन्नत होते हैं, जन्नत अल-फ़िरदौस सबसे सबसे ऊंचा जन्नत होता है। इस कविता में कुछ कठिन शब्द हैं, मैं पहले ही उनका आपको मीनिंग बता देता हूँ। एक शब्द है पहराया, एक इजहार, इसका मतलब होता है वे ऑफ एक्सप्रेशन, यानी अपने एहसासों को व्यक्त करने का तरीका, और एक शब्द है लेखनी, लेखनी का मतलब होता है जो आपको लिखने का साथ दे। अब मैं कविता भी शुरू करूंगा, और आप ही लोग बताइएगा कि मैंने कविता पढ़ी है इबादत की। जन्नत अल-फ़िरदौस, एक शख्स इतना खूबसूरत है, एक शख्स इतना खूबसूरत है कि उसकी खूबसूरती को शब्दों में बयां करना मुश्किल होता है। एक शख्स इतना खूबसूरत है कि अगर आप उसे आईना दिखा दो तो आईना भी खुश होता है। एक शख्स इतना खूबसूरत है कि खूबसूरत शख्स खुद को अपने सामने छोटा महसूस करता है। एक शख्स इतना खूबसूरत है कि अगर मोहल्ले में आ जाए तो मोहल्ले का पहराया इजहार होता है। इस लाइन का मतलब ये कि मोहल्ले में कोई नया खुदा आया और सारा मोहल्ला नमाजी हो गया। तो एक शख्स इतना खूबसूरत है कि खूबसूरत शख्स खुद को उसके सामने छोटा महसूस करता है। एक शख्स इतना खूबसूरत है कि अगर मोहल्ले में आ जाए तो मोहल्ले का पहराया इजहार करता है। एक शख्स इतना खूबसूरत है कि उसकी खूबसूरती गजलों में समाती नहीं नज़मों में लानी पड़ती है। और एक शख्स इतना खूबसूरत है कि हम जैसे लेखकों को बातों पे बातें बनानी पड़ती है। एक शख्स इतना खूबसूरत है पर उसकी खूबसूरती का नशा उसके सर पे सवार नहीं होता। एक शख्स इतना खूबसूरत है कि मुझ जैसे लोगों के पास उनको करने के लिए भरपूर प्यार नहीं होता,
आखिरी लाइन आप सब सुनिए और दिल खोल के सुनिए। एक शख्स इतना खूबसूरत है कि खुदा को भी खुद पर गुमान होता होगा, और एक शख्स इतना खूबसूरत है क्या इतना खूबसूरत होना जरा सा भी आसान होता होगा। बड़ी नाजों से उनकी मिट्टी पर हाथ रख खुदा ने इंसान बनाया है। कुछ सोच कही थी वो खूबसूरत के लिए ज्यादा खूबसूरत बनाए थे ताकि उनकी कारीगरी की इबादत सोच के लिए हमारी मिट्टी पर हाथ रखा होगा। वो लेखनी है दुनिया के लिए बहुत जरूरी है, मैं लेखक हूँ लेखनी का जरूरत बनाया है। इसके साथ भी जोरदार खत्म होती है जिसमें उन्होंने तालियां बजाई और गवाही की, उनको मैं दिल से शुक्रिया अदा करूंगा। और जितने लोगों ने जितने लोग मुस्कुराए मैं ये समझ जितने लोग मुस्कुराए मैं ये समझ गया कि वो मेरे हिस्से के पागल थे। तो एक आखिरी शायरी मैं कहना चाहूंगा मेरे हिस्से के उस पागल के लिए जो आजकल बड़ी समझदार बनी फिरती है। मोहब्बतों में रस्में हैं वादे हैं, मोहब्बतों में रस्में हैं वादे हैं ठीक है, मोहब्बतों ने रस्मों को वादों को चीर तोड़ा। हमने सुना था तुम कोई भी काम आधे में नहीं छोड़ती, हमको बता दो हमें आधा शायर बनाने की जरूरत है।